हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजू अग्रवाल आप सभी का अंजू के किचन घर चैनल में स्वागत करती हूँ। ये देखिए, ये वेजिटेबल के वेस्टेज हैं। ये धनिया पत्ता का डंठल है। इस डंठल को हम फेंक देते हैं, लेकिन इसमें बहुत एनर्जी होती है और इसे ही हम फेंक देते हैं। ये मेथी का पत्ता है, इसके भी मैंने डंठल को लिया है। और ये गोभी के वेस्टेज हैं जिसे हम फेंक देते हैं अक्सर। ये गाजर के ऊपरी और निचली भाग हैं। ये प्याज के भी वेस्टेज हैं, सबको हम फेंक देते हैं, लेकिन इसे इसमें बहुत एनर्जी होती है। इससे मैं आपको यूज़ करना बताऊंगी। ये इससे आप बहुत ही अच्छा वेजिटेबल स्टॉक बना सकते हैं। आप जब भी किचन में कोई सब्जियां काटते हैं या बनाते हैं तो उनके वेस्टेज को आप फेंकी ना। इसकी मैं वेजिटेबल स्टॉक बनाऊंगी, जिसे आप इस स्टॉक को आप सूप में भी यूज़ कर सकते हैं और सब्जियों में भी यूज़ कर सकते हैं। इन सारे वेस्टेज को पहले मैं साफ पानी से धो लूँगी। सारे को मैंने एक बड़े बर्तन में ले लिया है और इसे मैं अच्छी तरह से रगड़ रगड़ के इसे साफ़ कर लूँगी, ताकि सारी गंदगी इसके निकल जाए। इनके मैं थोड़े छोटे पीस कर दूँगी। बहुत अच्छा इसका वेजिटेबल स्टॉक बनता है, इसमें बहुत ताकत होता है। इसे आप जब भी बनाएं आप फेंके ना। इसे आप वेजिटेबल स्टॉक बनाकर आप फ्रीज में 2 से 3 दिन तक स्टोर भी करके रख सकती हैं। आपकी सूप बनाइए, कोई सब्जी की ग्रेवी में भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। मैंने 5-6 पानी से बहुत अच्छी तरह से वॉश कर लिया है, ताकि इसमें मिट्टी का कुछ भी कण ना रहे। ये मेरे पास अदरक के टुकड़े थे छोटे से, इसे भी मैंने डाल दिया है। और ये शिमला मिर्च के भी डंठल है, सबको मैंने डाल दिया है। अब इसमें मैं पानी डालूँगी। पानी आप अपना इस 1 लीटर के अंदाज पानी डाल दीजिएगा। और अब इसी मैं गैस पर तेज़ फ्लेम पर रखूँगी। गैस के फ्लेम को मैंने तेज़ रखा है। अब इसके ऊपर एक लिड से इसे ढक दूंगी और इसमें थोड़ा उबाल आने दूंगी। पानी में उबाल आने लगा है और इसका कलर भी देखिए चेंज होने लगा है। आप सोच रहे होंगे कि इस वेस्टेज का क्या ये बनेगा, लेकिन जब ये बन के तैयार हो जाएगा तब आप भी कहेंगे, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा बना है स्टॉक, अब मैं भी वेस्टेज को कभी नहीं फेंकूँगी। अब इस स्टॉक को आप दाल बनाने में भी यूज़ कर सकते हैं। आप जो सादा पानी डालते हैं तो उसकी जगह आप ये पानी भी डाल सकते हैं। ये बहुत अच्छा स्टॉक बन के तैयार होता है। और सूप में डाल देने से ये स्टॉक सूप का टेस्ट और भी ज़्यादा हो जाता है। अभी इसे 5 मिनट इसी तरह से उबलने देंगे। देखिए, जितना भी मैंने ये वेस्टेज डाला है सबका फ्लेवर इस पानी में आ रहा है और पानी का कलर चेंज हो रहा है। बहुत सारी सब्जियों के फ्लेवर एक साथ हो जाने से इसके अंदर से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। इसको उबलते हुए 10 से 12 मिनट हो गया है। पानी भी देखिए हमारा जल के कितना कम हो गया है। इसे जितना ज़्यादा देर उबालते हैं इसमें फ्लेवर उतना ज़्यादा आ जाता है। अभी फ्लेम बंद कर देती हूँ। देखिए कितना सुंदर कलर आया है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अभी पानी बहुत गर्म है, अभी इसी में रहने देंगे तो अभी इसका थोड़ा फ्लेवर और इसके अंदर आ जाएगा। इसे अब ठंडा होने देते हैं। अब ये हमारा थोड़ा ठंडा हो गया है, इसे हम छान लेंगे। देखिए एक स्ट्रेनर की सहायता से इसे मैंने छान लिया है। अब ये जब पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा तब इसे मैं बॉटल में भर के फ्रीज में रख दूँगी, या तुरंत अगर इस्तेमाल करना होगा तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप अभी कोई सब्जी बना रही हैं तो उसके ग्रेवी में डाल लीजिएगा, दाल में डाल लीजिएगा, सूप में डाल लीजिएगा। और अगर अभी इसका यूज़ नहीं है तो आप ठंडा करके फ्रिज में बॉटल में भर के रख दें। आपको हमारा वेजिटेबल स्टॉक बनाने का ये तरीका पसंद आया हो तो आप प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा, ताकि हमारे आने वाली और भी नई नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। चलिए मिलते हैं अब अपनी अगली और भी अच्छी अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।